अंग्रेजी की एक लेखिका और समाज सेवी, कुछ एक फिल्मों में काम करने वाली और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर प्राइज प्राप्त करने वाली अरुंधति राय की मुश्किलें बढ़ गई हैं। साल 2010 में भारत और जम्मू कश्मीर को लेकर दिया गया बयान अब उनके लिए एक बड़ी नई मुसीबत बन गया है। दरअसल दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना ने लेखिका अरुंधति राय और कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ UAPA के तहत मुकदमा चलाने को लेकर मंजूरी दी है। अरुंधति राय पर कथित रूप से भड़काऊ बयान देने का आरोप है। दरअसल अरुंधति राय ने 21 अक्टूबर 2010 को दिल्ली के एक सम्मेलन आज़ादी द ओनली वे में कथित तौर पर भड़काऊ बयान दिया था। इस भाषण को भारत विरोधी बताया गया और आरोपों के अनुसार सम्मेलन में कश्मीर को भारत से अलग करने की बात की गई। अरुंधति राय पर कथित आरोप है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने भाषण में कहा कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था, उस पर भारत के सशस्त्र बलों ने जबरन कब्जा किया हुआ है। मामले को लेकर सुशील पंडित ने शिकायत की थी और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की। सुशील पंडित ने शिकायत में आरोप लगाया था कि कॉन्फ्रेंस के दौरान अरुंधति राय सहित कई अन्य वक्ताओं ने अपने भाषणों से सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को खतरे में डाला और वक्ताओं ने अपने भाषणों से कश्मीर को भारत से अलग करने के अलगाववादी विचारधारा को अपने बयानों से बढ़ावा दिया। वहीं मामले को लेकर शिवसेना UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने मामले को लेकर सवाल उठाया है। जो उन्होंने कहा सरासर गलत है, जो उन्होंने किसी भी कश्मीर को लेकर वो बिल्कुल ही निर्दयी है और जम्मू और कश्मीर देश का कभी नहीं है और कोई भी उसमें दरार डालने की कोशिश करेगा तो हम उसको प्रोटेस्ट करेंगे। पर साथ ही साथ सवाल ये उठा कि 2010 का ये मामला है, 10 साल से केंद्रीय सरकार मोदी जी की है, वही मोदी जी वही यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं पाकिस्तान को 56 इंच सीना दिखाएंगे लाल दिखाएंगे, वो आज तक इस मुद्दे को लेकर चुप क्यों थे? 10 साल के बाद जब तीसरी सरकार बनी है, कम मेजोरिटी की सरकार बनी है, वो इस पर कार्रवाई की बात करते हैं तो दिखाता है कि कहीं ना कहीं पोलिटिकल ये डिसीजन है, ना कि एक सही डिसीजन जो देश के लिए है। पर जो भी मैं कहूँगी फिर से दोहराऊंगी कि कश्मीर को अलग हिस्सा बताना बिल्कुल ही निंदनीय है। मैं उसके बारे में मैं उसको प्रोटेस्ट करती हूँ, आई एम आउटरेज्ड। पर वो बात 2010 की कही हुई है, उसको फिर से वापस मेन स्ट्रीम में लाना कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि 370 धारा हट चुकी है, जम्मू और कश्मीर में बहुत सारे और बदलाव आए हैं। ये बात है कि आतंकी हमलों में किसी तरीके से कमी नहीं आई है, पर उम्मीद करती हूँ कि केंद्र सरकार उसका संज्ञान लेकर पाकिस्तान से ये प्रायोजित टेररिस्ट है उसे नीचे करेगी।